हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं विजय पूनिया और आप देख रहे हैं विजय एजुकेशन। आज हम बात करने आए हैं उत्तराखंड बीएससी नर्सिंग के बारे में। उत्तराखंड नाम जब लेते हैं तो कहीं ना कहीं एक अलग दोस्तों आत्मीय भाव जो है वो जागृत होता है उत्तराखंड को लेकर के, और उत्तराखंड के बच्चों के लिए बीएससी नर्सिंग कोर्स एक तरह का वरदान है। और ये कोर्स बच्चों आपको अगर करना चाहिए, क्योंकि पहले तो सबसे पहली और बड़ी बात तो ये है कि उत्तराखंड के दूर दुर्गम इलाकों में, गांवों में बच्चों को मालूम ही नहीं है कि ये कोर्स है क्या। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि बीएससी नर्सिंग ट्वेल्थ के जो बच्चे हैं, जिन्होंने ट्वेल्थ बायोलॉजी से किया है या जो अभी ट्वेल्थ में पढ़ रहे हैं, वो बच्चे इस बीएससी नर्सिंग कोर्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। बीएससी नर्सिंग एमबीबीएस का अल्टरनेटिव है। एमबीबीएस के बाद मेडिकल लाइन का दूसरा सबसे बड़ा कोर्स बीएससी नर्सिंग है। बीएससी नर्सिंग कौन कर सकता है? बीएससी नर्सिंग करने के लिए बच्चों आपके ट्वेल्थ पास आउट होना चाहिए बायोलॉजी सब्जेक्ट से। ट्वेल्थ में अगर बायोलॉजी है, केमिस्ट्री है, फिजिक्स है, आप इसका एग्ज़ाम दे सकते हो। आपको उत्तराखंड के अंदर बीएससी नर्सिंग में एडमिशन लेने के लिए एक परीक्षा देनी पड़ती है, एक एंट्रेंस एग्ज़ाम देना पड़ता है, और वो एग्ज़ाम होता है आपका मई या जून महीने में। इस एग्ज़ाम के अंदर क्या पूछा जाता है, फॉरम कब निकलता है, कितने कॉलेज है उत्तराखंड में, और इसकी तैयारी कैसे करें, इसके बारे में मैं कंप्लीट आपको जानकारी देने आया हूँ। देखिएगा, उत्तराखंड का जो यूनिवर्सिटी है उसे हम हेमवती नंदन बहुगुणा यूनिवर्सिटी कहते हैं। हेमवती नंदन बहुगुणा यूनिवर्सिटी के अंडर लगभग 80 के आसपास कॉलेज आते हैं, और इन कॉलेजों के अंदर बच्चों बीएससी नर्सिंग कोर्स होता है। उत्तराखंड वो राज्य है जहां पर गवर्नमेंट कॉलेज भी काफ़ी हैं, और कहीं ना कहीं सिलेक्शन काफ़ी आसान भी है। अगर कोई बच्चा 4 से 5 महीने अच्छी तरह से तैयारी करके और फिर एग्ज़ाम देता है तो उसे बिल्कुल नाम मात्र की फीस में बीएससी नर्सिंग करने का मौका मिलता है। और अगर आप प्राइवेट कॉलेज से नर्सिंग करते हैं तो लाखों रुपए लगते हैं, डोनेशन लगता है, और कोई मतलब नहीं है लाखों रुपए देने का, डोनेशन देने का। आप तैयारी करिएगा और फिर इस हेमवती नंदन यूनिवर्सिटी के जो गवर्नमेंट कॉलेज हैं आपके, उन गवर्नमेंट कॉलेजों में दाखिला लीजिएगा। तो सर, हमें पढ़ना क्या पड़ेगा और पेपर कैसा आएगा, एग्ज़ाम कब होगा? एग्ज़ाम आपका, मैंने पहले ही कहा, जून महीने में एग्ज़ाम होता है और मार्च या अप्रैल महीने में इसके फॉर्म निकलते हैं, ठीक है। अब देखिएगा बच्चों, आपके एग्ज़ाम में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इंग्लिश और नर्सिंग एप्टीट्यूड, ये 5 सब्जेक्ट आते हैं। 20-20 नंबरों के क्वेश्चन सभी के आते हैं, 20 के फिजिक्स, 20 के केमिस्ट्री, 20 के बायो, तो 60 नंबर तो यही हो गए। अब बिल्कुल 20 नंबर की इंग्लिश ग्रामर आती है, बहुत ही नॉर्मल क्वेश्चन आते हैं, और 20 नंबर की आती है नर्सिंग एप्टीट्यूड। विजय एजुकेशन के नाम से बच्चों अपना मोबाइल ऐप है, और उस मोबाइल ऐप में अपन इन 5ों ही सब्जेक्ट को पढ़ा रहे हैं, और बहुत ही बेहतरीन लेवल पर जाकर के, एक अलग लेवल पर जाकर के, उत्तराखंड के ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग, पेपर के अकॉर्डिंग, पेपर के पैटर्न के अकॉर्डिंग तैयारी करवा रहे हैं। उत्तराखंड में जो हिंदी मीडियम के बच्चे हैं उनका पेपर बिल्कुल हिंदी में, और जो इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं उनके लिए पेपर बिल्कुल इंग्लिश में लगता है। तो आप जिस भी मीडियम से हैं आप उसी माध्यम में रहकर तैयारी कर सकते हैं। 100 प्रश्न आएंगे बच्चों, 2 घंटे का आपका पेपर होता है, ठीक है, और ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर होता है। अगर आप इस एग्जाम के अंदर 60 नंबर भी लेके आ जाते हैं बच्चों, या 60 से थोड़े बहुत ऊपर नंबर लेके आते हैं, आपको टॉप गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन मिल जाता है। प्यारे साथियों, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि अगर आप ठान लें कि मुझे हर हाल में नर्सिंग करनी है और वो भी गवर्नमेंट कॉलेज से करनी है, दुनिया की कोई ताकत आपको रोक नहीं सकती। प्यारे साथियों, आपके गार्जियंस की जिम्मेदारी थी, उन्होंने आपको ट्वेल्थ बायोलॉजी से पास आउट करवा दिया। अब आपकी जिम्मेदारी है कि आप उनके लाखों रुपए प्राइवेट कॉलेज में दिलवाना चाहते हो या अपने बलबूते, अपनी मेहनत के बलबूते सिलेक्शन लेना चाहते हो। अगर अभी से आप 4-5 महीने अच्छी पढ़ करके तैयारी करके
और अगर इन गवर्नमेंट कॉलेज में दाखिला ले लेते हो तो बच्चों आपको गवर्नमेंट हॉस्पिटल में ट्रेनिंग मिलेगी, ठीक है। और आप जो हैं बच्चों सेकंड ईयर के साथ ही नज़दीकी कोई भी हॉस्पिटल ज्वाइन कर लोगे तो आपको सेकंड ईयर के बाद घर से पैसे नहीं लेने पड़ेंगे, आपकी इनकम शुरू हो जाएगी। प्यारे साथियों, बीएससी नर्सिंग कोर्स करने के बाद नॉर्सेट, सीएचओ, फर्स्ट ग्रेड नर्स, ए ग्रेड नर्स, सेकंड ग्रेड नर्स, बहुत सारी पोस्टें हैं, बहुत सारी वैकेंसियां हैं और पर ईयर ये वैकेंसियां निकलती रहती है। उत्तराखंड के अंदर वर्तमान स्थिति यह है कि बहुत सारे जिलों के अंदर बीएससी नर्सिंग के पद खाली पड़े हैं। बच्चों आपके गाँव में, आपके नज़दीकी शहर में बीएससी नर्सिंग किए हुए बच्चों की संख्या बहुत कम है, बहुत कम, ठीक है। तो बच्चों मैं तो आपको कहना चाहूँगा आप ये कोर्स करिएगा। और विजय एजुकेशन के नाम से बच्चों अपना मोबाइल ऐप है, अगर आप घर पे बैठकर तैयारी नहीं कर पा रहे हैं, आपको पूरा पैटर्न समझ नहीं आ रहा है, कैसे फॉर्म भरना है, कैसे काउंसलिंग करानी है, कैसे पेपर देना है, हर एक कदम कदम पर हमारी पूरी टीम आपको बच्चों गाइड करेगी, फॉर्म भी हम आपको भरवाने में मदद करेंगे। और अगर आप विजय एजुकेशन का ऑनलाइन कोर्स ज्वाइन कर लेते हैं तो हमेशा हमारी टीम आपके साथ रहेगी। तो प्यारे साथियों, विजय एजुकेशन के नाम से अपना मोबाइल ऐप है, उस मोबाइल ऐप को आप डाउनलोड करिए और उस मोबाइल ऐप के ऊपर आप अपना मोबाइल नंबर डाल के रजिस्ट्रेशन करवा लीजिए। जैसे ही आप ऐप खोलेंगे उसके अंदर आपको ब्रह्मास्त्र बेच दिखेगा बच्चों, और ये ब्रह्मास्त्र बेच जो है उत्तराखंड के बच्चों के लिए हैं। इसमें हम आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, नर्सिंग एप्टीट्यूड, इंग्लिश सारे सब्जेक्ट पढ़ाएंगे। बच्चों इस बेच की एक महीने की फीस 890 नहीं है, इस पूरे कोर्स की फीस 890 है। और इस 890 रुपये में हम आपको तब तक पढ़ाएंगे जब तक कि आपके एग्ज़ाम नहीं हो जाते, लगभग 5 से 6 महीने का अब भी टाइम है बच्चों, आप अभी से शुरुआत करिए, ठीक है। आप वीडियो आज देख रहे हैं या 10 दिन बाद या 1 महीने बाद, जब भी आप देख रहे हो आप तभी से शुरुआत करिए बच्चों। देखिएगा विजय एजुकेशन ऐप पर ब्रह्मास्त्र 2.0, ब्रह्मास्त्र 3.0 यह बेच आगे आगे लॉन्च होते रहेंगे, तो आप ऑनलाइन बेच से जुड़िएगा और बहुत अच्छी तैयारी करिएगा। इसमें आपको लाइव क्लासें, टेस्ट सीरीज, मॉडल पेपर, क्वेश्चन बैंक, और कोई क्लास अगर आपकी इस बेच में छूट जाती है तो वो क्लास वहीं सेव हो जाती है, आप बाद में कभी भी रिकॉर्डेड के रूप में उस क्लास को देख सकते हैं और कितनी भी बार देख सकते हैं। इसी ब्रह्मास्त्र बेच में हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए अलग फोल्डर बने हुए हैं, वहाँ हिंदी की क्लासें चलती है। इंग्लिश मीडियम के बच्चों के लिए अलग फोल्डर बने हुए हैं, वहाँ इंग्लिश मीडियम की क्लास चलती है। तो इसलिए बच्चों बहुत ही नाम मात्र की फीस में हम आपको पढ़ा रहे हैं। ये फीस इसलिए कम रखी है ताकि गाँव देहात से, मिडिल फैमिली से कोई भी बच्चा इस जो है बेस से जुड़ सकता है। तो इसलिए बच्चों ये आपका अपना परिवार है विजय एजुकेशन, आप इससे जुड़िएगा, बहुत बेहतरीन तैयारी करिएगा, आप अपने और अपने मम्मी पापा के सपनों को पूरा करिएगा। आपके मम्मी पापा ने आपको इस काबिल तो बना दिया कि अब आप इन कोर्सेज में एडमिशन ले सकते हैं, लेकिन एडमिशन लेने के लिए अब भी हम हमारे गार्जियंस पर निर्भर रहें यह तो बच्चों हमेशा ठीक नहीं है। अब तो हमें हमारी काबिलियत का परिचय देना पड़ेगा कि हमने पिछले 12 वर्षों तक क्या अर्जित किया, हमने जो मेहनत करी वो सही थी भी या नहीं। आज वो दम दिखाने का समय आ गया है बच्चों, आप तैयार हो जाइएगा, ठीक है। और मैं आपसे दोस्तों वादा करता हूं कि अगर आप 5 महीने विजय एजुकेशन से जुड़ते हैं तो 6ठे महीने आपके पास एक गवर्नमेंट सीट होगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। और आप अगर आज ठान लेते हैं कि मुझे तो सिलेक्शन लेके रहना है चाहे कुछ भी हो जाए, तो बच्चों अगर एक स्टूडेंट ये ठान ले कि मुझे हर हाल में सिलेक्शन लेना है, हर हाल में मुझे जीत के दिखाना है, तो वो जीत के रहेगा, दुनिया की कोई ताकत उसे हरा नहीं सकती, ठीक है। तो इसलिए अच्छी पढ़ाई करिए बच्चों, ये समय आपका है। 3-4 महीने अगर खुद को दुख दे भी दिए तो आगे आने वाले 40 साल आपके होंगे, और बच्चों इन 3-4 महीनों में अपने को कष्ट नहीं दिया तो आगे आने वाले 40 सालों तक कष्ट ही कष्ट है, डिसीजन हमें करना है। तो इसलिए सोचिए बच्चों, यह आपकी यूनिवर्सिटी है हेमवती नंदन बहुगुणा, ठीक है। और इस यूनिवर्सिटी की यह बच्चों वेबसाइट है आपकी, ठीक है, यह हेमवती नंदन बहुगुणा, यह देहरादून के अंदर आपकी यूनिवर्सिटी बच्चों, और यही वो यूनिवर्सिटी है जहां से हम जितने भी उत्तराखंड के स्टूडेंट हैं ऑनलाइन फॉर्म भरते हैं, इसी यूनिवर्सिटी पे आके आपको ऑनलाइन फॉर्म भरना है बच्चों, ठीक है। अब मैं आपको बता देना चाहता हूँ कॉलेज की लिस्ट, ये आपके कॉलेज की लिस्ट है बच्चों, देखिएगा ये आपके कॉलेज है, ये गवर्नमेंट कॉलेज है सारे, देखो आप स्टेट गवर्नमेंट नर्सिंग कॉलेज देहरादून,
नर्सिंग गवर्नमेंट कॉलेज अल्मोड़ा, गवर्नमेंट कॉलेज चमोली, गवर्नमेंट कॉलेज पिथौरागढ़, गवर्नमेंट कॉलेज हल्द्वानी, गवर्नमेंट कॉलेज न्यू तहरी, गवर्नमेंट कॉलेज पूरी गढ़वाल, गवर्नमेंट नर्सिंग कॉलेज दोस्तों। तो ये सारे आपके गवर्नमेंट कॉलेज है। इसके बाद नीचे सारे प्राइवेट कॉलेज है आप देखो बच्चों, और इन कॉलेजों में लड़के और लड़कियां दोनों ही एडमिशन ले सकते हैं, ठीक है। तो बच्चों बस आप तो तैयारी शुरू कर दीजिएगा। ये आपके कॉलेजेज हैं, 31 कॉलेज ये हैं और 7, और मुझे पूरा भरोसा है कि 10-12 कॉलेज आपके 2023 में और खुलेंगे। इनकी संख्या 50 तक पहुंचेगी और हो सकता है 50 से ऊपर भी ये कॉलेज चले जाएं, ठीक है बच्चों। तो आप तो बस तैयारी में लग जाइएगा, मेहनत करिएगा, और आज आप मेहनत करेंगे तो कल आपको सफलता मिलेगी, इसमें कोई दो राय नहीं। तो मेरे जितने भी उत्तराखंड के विद्यार्थी हैं, मैं उनको कहना चाहता हूं, ये विजय एजुकेशन के हेल्पलाइन नंबर हैं, आप इन नंबरों पे कॉल करिएगा। अगर आप ऐप के अंदर जाकर सीधा कोर्स ऑनलाइन बाय कर लेते हैं तो आप सीधा भी खरीद सकते हैं, और सीधा आप डायरेक्ट कोर्स बाय नहीं कर पा रहे हैं, आपके पास फ़ोन पे गूगल पे की सुविधा नहीं है, तो आप इन नंबरों में, इन नंबरों पे फ़ोन पे गूगल पे पेटीएम करवा करके फिर इन्हीं नंबरों पे आप कॉल कर दीजिएगा, हमारी टीम आपका कोर्स चालू कर देगी। नंबर नोट करिए, 9828721229। दूसरा नंबर है 8302199394, ठीक है। आप इन नंबरों पे कॉल भी कर सकते हैं, इन नंबरों पे व्हाट्सअप भी कर सकते हैं, ठीक है। और एक और नंबर है अलग से दोस्तों, व्हाट्सअप नंबर है 9672721229, ठीक है दोस्तों। तो ये आपके लिए विजय एजुकेशन के हेल्पलाइन नंबर है, ठीक है। और मेरे प्यारे दोस्तों, ऊपर वाले ये जो दोनों नंबर हैं, ये फ़ोन पे गूगल पे पेटीएम से कनेक्ट भी हैं, तो आपके पास फ़ोन पे की सुविधा नहीं भी है, आप किसी और से, अपने रिलेटिव से, कंप्यूटर की दुकान से, इन नंबरों पे फ़ोन पे गूगल पे करवा सकते हैं, और फिर इन नंबरों पे कॉल करके अपना कोर्स भी चालू करवा सकते हैं। ये बच्चों विजय एजुकेशन इंस्टीट्यूट है जिसके साथ 2 लाख से भी ज़्यादा बच्चे जुड़े हुए हैं, 2 लाख से भी ज़्यादा बच्चे इस विजय एजुकेशन संस्थान से पढ़ाई कर रहे हैं। तो अगर आप इस संस्थान से जुड़ते हैं, इतने बड़े इंस्टीट्यूट से जुड़ते हैं, तो यह तो कन्फर्म है कि आपका जरूर सिलेक्शन होगा बीएससी नर्सिंग की। उत्तराखंड की ही नहीं दोस्तों, उत्तराखंड, हिमाचल, बिहार, एमपी, यूपी, राजस्थान और हरियाणा, इन 8 राज्यों की नंबर 1 इंस्टीट्यूट है बच्चों विजय एजुकेशन। तो बच्चों आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।